5000 साल से लोग बनारस में रह रहे हैं गंगा माँ के किनारे। अगर सुबह में आप गंगा माँ को देखोगे आपको पावर फील होगा, आपको स्वयं ऊपर वाले के आशीर्वाद का अनुभव फील होगा, पर रात में इसी गंगा माँ के किनारे बनारस के घाट्स पे आपको बहुत अलग चीजें फील होंगी। यह है बनारस के घाट्स की खासियत। अब हम जा रहे हैं मनी करने का घाट। हाँ, वो एक्सपीरियंस करने। एंड थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है बिकॉज मनी करने का हैज अ वेरी वेरी इंटेंस एनर्जी। बहुत लोगों को मैंने टूटते हुए देखा है मनी करने का में। और चलो देखते हैं, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा, अपने इमोशंस को फ्लो मत होने देना, कंट्रोल करके रखना, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस एंड एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। मनी करने का घाट पहुंचने के लिए आपको कई गलियों से गुजरना पड़ता है। उन गलियों से गुजरते गुजरते मैंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देख ली, यानी कि लोग किसी मुर्दा शरीर को घाट की ओर लेके जा रहे थे। बनारस शहर मणिकर्णिका घाट राजा हरिश्चंद्र घाट के लिए जाना जाता है। ये घाट, ये गंगा माँ, दोनों मोक्ष के दरवाजे माने जाते हैं। यहाँ के लोग मौत को बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। घाट तक पहुंचने की गलियों में भी लोग रहते हैं, उन्होंने कितनी मौत देखी होगी, कितनी चिताएं देखी होंगी। मैं एक डोम राजा के घर पे जाने का मौका मिला। इस घर में जाने से पहले मैंने कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया, और जो चीजें हमने देखी वो दोनों स्पिरिचुअल थी और थोड़ी सी मिस्टीरियस। भारत अलग अलग संस्कृति का देश है, और इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने डोम संस्कृति के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करी। तो मणिकर्णिका घाट में या किसी भी गंगा बेसिन में आप देखोगे तो हर गंगा बेसिन के राजा डोमों को कहा जाता है, जो डोम कम्युनिटी के लोग होते हैं। आप देखोगे कि उनके पूरे शरीर में जो है कि जलने की निशान होती है, क्योंकि वो चिताओं के बीच में अपना काम कर रहे होते हैं। हाई इंटेंसिटी काम होता है, बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है उस काम को करने के लिए जो ये लोग करते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑल्सो कंज्यूम अल्कोहल वगैरह, बिकॉज उनको उस जोन में होना होता है। जो देवी जो होती हैं वो इनको प्रोटेक्ट करती हैं, इनको शक्ति देती हैं कि वो ये काम कर पाए जो कोई भी नहीं करता। नोबडी हैंडल्स द डेड बॉडी, राइट? एंड दे मेक श्योर दैट द डेड बॉडी गेट्स मोक्षा। और ये लोग स्पिरिचुअली भी बहुत पावरफुल होते हैं, इंटेंस होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि कहते हैं कि उनका संपर्क सीधा यमराज से होता है। तो ये मोक्ष के मार्ग में दे आर द लास्ट यू नो गार्ड्स और गाइड्स हु टेल यू दैट दिस इज द पाथ ऑफ द मोक्ष। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी हो, काया गार से काजी रे जैसे झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका